बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के लाइव स्पोर्ट शो में। और भारत बनाम न्यूजीलैंड का पांचवा T20 शुरू होने जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम बता दें कि भारत ने जो है टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और सबसे बड़ी खबर आती हुई कि रोहित शर्मा इस मैच में कप्तानी करेंगे। विराट कोहली को रेस्ट दे दिया गया है। ओपनिंग पोजीशन पे संजू सैमसन जो है वो बैटिंग करेंगे और रोहित शर्मा तीन नंबर पर अपने आप को आजमाएंगे। क्रिकेट तक में सभी का स्वागत है आप सभी का। भारत जो है टॉस करके बल्लेबाजी करने का फैसला किया है भारत ने और सबसे बड़ा बदलाव आता हुआ रोहित शर्मा जो है कप्तानी करेंगे। विराट कोहली को आराम दे दिया गया है इस मैच के लिए। देखना होगा क्या भारत 5-0 से इतिहास रच पाएगा 5-0 से सीरीज जीत के। शायद आज तक पहले कभी भारत ऐसा कर नहीं पाया न्यूजीलैंड में और तो देखना होगा क्या इतिहास रच पाएगा भारत न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड को पटक नहीं दे पाएगा। जो जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि भारत ने जो है टॉस जीता है और बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। विराट कोहली जो है उनको रेस्ट दे दिया गया है और इस मैच में रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे। देखना होगा कि कैसा जाएगा। संजू सैमसन को बतारो ओपनर एक और मौका मिलता हुआ क्या वो इस मौके का फायदा उठा पाएंगे या फिर पहले की तरह ही एक छक्का मार के आउट हो जाएंगे। भारत की टीम में अगर देखना चाहे तो लोकेश राहुल, संजू सैमसन, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, नवदीप सैनी, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह को का चयन किया गया है। न्यूजीलैंड में मार्टिन गुप्टेल हैं, कॉलिन मंड्रो हैं, टिम साइफर्ट तीन नंबर पर बल्लेबाजी करते दिखेंगे। एक बार फिर से केन विलियमसन जो हैं चोट के चलते बाहर कर दिए गए हैं। जो टिम साउदी हैं वो कप्तानी करेंगे इस मैच में। रॉस टेलर, टॉम ब्रूस, डेर मिचेल, मिचेल सैंडर वही पूरी वही टीम है जो पिछले मैच में भी खेली थी। देखना होगा कि भारत न्यूजीलैंड को एक और मैच में पटक नहीं दे पाएगा और सीरीज अपने नाम 5-0 से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। नहीं कर मैदान है वो काफी हाई स्कोरिंग मैदान माना जाता है। यहाँ पे औसतन स्कोर जो है 199 का रहता है और काफी आज भी अगर हम सरफेस की तरफ देखें तो काफी हार्ड सरफेस है और ग्रास भी अच्छी है। अगर बाकी मैदानों से कंपेयर करा जाए तो ये जो मैदान है वो काफी बड़ा भी है। यहाँ पे विंड जो है काफी बड़ा रोल प्ले करती है। देखना होगा कि क्या भारतीय टीम दोबारा इस मैदान में एडजस्ट कर पाएगी या न्यूजीलैंड अपनी प्राइड दोबारा पा पाएगी। देखना पड़ेगा इस मैच में। आपको क्या लगता है भारत जो है इस मैच में जीत पाएगा या ये मैच अपने नाम कर पाएगा? जरूर देखना पड़ेगा।
अगर आप रन करवा देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, तो एक थोड़ी सी बीच में जब लगे कि हाँ समय ज्यादा जा रहा है तो समय को कंटेन करना होगा, इसमें स्पिनर्स को जल्दी यूज करना होगा और ताकि निर्धारित टाइम के अंदर आप अपने ऊपर डाल सके। तो आज भारत ने टॉस जीता, एक बार फिर से बता दें पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और इन्होंने न्यूजीलैंड की टीम की अगर बात करें उन्होंने अपनी टीम में कोई परिवर्तन नहीं किया है। केन विलियमसन अपने घरेलू मैदान पर खेल पाएंगे लेकिन आज भी नहीं खेले और उन्होंने कहा होगा कि अभी तक चार छोटे हो गया मैं क्यों। भारत जो है टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया गया है। देखना होगा क्या भारत इस मैच को जीत पाएगा और 5-0 की बढ़त बना पाएगा। न्यूजीलैंड को पूरी तरह से पछाड़ के रखा हुआ है भारत ने। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।
थोड़ा समय रह गया है बस मैच शुरू होने में, जैसे ही शुरू होगा हमारी कमेंट्री भी लाइव शुरू हो जाएगी, आप ही के साथ जुड़ जाएंगे हम। तो देखना होगा कि भारत जीत पाएगा या नहीं। 10 मिनट का समय रह गया है मैच शुरू होने में, मैच शुरू होते ही हमारी कमेंट्री शुरू हो जाएगी। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, आप साथ में बने रहे हमें भी अच्छा लगेगा। I look at easier. तो चलिए माहौल तैयार है, भारत अपना पहला मैच आखिरी मैच खेलता हुआ मॉन्गनुई में, क्या भारत पहली बार न्यूजीलैंड में क्लीन स्वीप कर पाएगा, देखना होगा। बहुत ही दिलचस्प मैच होने वाला है, कहने को ये डेड रबर है, यहाँ पे कोई रिजल्ट की इतनी महत्वता नहीं है, पर फिर भी देखना पड़ेगा क्या भारत 5वां T20I जीत के इतिहास रच सकता है न्यूजीलैंड में जाके। न्यूजीलैंड को हराना बहुत आसान काम रहता नहीं है,
आसमान की ओर देखें तो काफी बादल छाए हुए हैं, मैदान जो है चकाचक भर दिया गया है दर्शकों द्वारा, मैदान थोड़ा सा बड़ा है, जितने भी अभी तक मैदानों में खेला गया है मैच उनसे काफी बड़ा मैदान है ये, तो देखना होगा कि क्या कर पाती है भारतीय टीम इस मैच के अंदर, क्या उनकी चेष्टा रहेगी। और ये केएल राहुल बाहर आते हुए ड्रेसिंग रूम से केएल राहुल के साथ अनुमान तो यही है, जैसे रोहित शर्मा ने टॉस के समय बोला कि संजू सैमसन बल्लेबाजी करेंगे, तो अभी भी यही लगता है कि संजू सैमसन जो है साथ में आएंगे। और ये बिल्कुल संजू सैमसन जो है केएल राहुल के साथ आते हुए, दोनों ओपनिंग बैट्समैन मैदान में कदम रख चुके हैं, तो मैच शुरू होने में सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, बहुत जल्दी शुरू होने वाला है मैच। क्या भारत 5 में से 5 मैच जीत सकती है? जो जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें, भारत ने जो है पहले मैच ये 5वें मैच में टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया है, आपको चैलेंज कि वो पहले बल्लेबाजी करते हुए काम कर पाते हैं या नहीं। संजू सैमसन को एक और मौका मिलता हुआ, देखना होगा क्या वो इस मौके को गुना पाएंगे या पिछले 2 मैचों की तरह ही छक्का मार के विकेट गवा देंगे अपनी। बहुत ही बेहतरीन मौका है संजू सैमसन के पास मैच को खत्म करके आने के लिए, ऐसे मौके को उन्हें बार बार नहीं मिलेंगे। ऋषभ पंत जो है वो भी ड्रेसिंग रूम में बैठे, केएल राहुल जो है स्ट्राइक पे है और न्यूजीलैंड के प्लेइंग 11 में कोई बदलाव आया नहीं है। भारत ने जो है एक बदलाव किया था जिसके चलते रोहित शर्मा जो है विराट कोहली की जगह खेल रहे हैं इस मैच में, देखना पड़ेगा क्या रोहित शर्मा नंबर 3 पे अच्छी बल्लेबाजी कर पाएंगे। सैमसन जो है अपने मौके को पॉके मिल रहे हैं उन्हें बुला पाएंगे या नहीं, बहुत ही रोमांचक मैच होने वाला है। सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा इसमें कि क्या भारत क्लीन स्वीप कर सकता है, न्यूजीलैंड को 5-0 की बढ़त हासिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और ये मैच शुरू होने जाने लगा है। साउदी बिहार में गेंद है और पहली गेंद जो है डॉट कर चुके हैं, वो मैदान जो है काफी खुला हुआ मैदान है और हवा भी काफी तेज चलती हुई है, तो देखना पड़ेगा कैसे गेंद हिला पाएंगे टीम साउथ। दूसरी गेंद के साथ आते हुए गेंद लॉन्ग बल्लेबाजी और ये आउट स्विंग हुई और हल्की सी छोटी गेंद, गेंद लॉन्ग ने कट पॉइंट की तरफ चौका लगा दिया है। दूसरी गेंद पे ही चार रन, केएल राहुल काफी अच्छी फॉर्म से गुजरते हुए, कॉन्फिडेंस से भरपूर है वो केएल राहुल, और ये हल्की सी छोटी गेंद थी पॉइंट की दिशा में, 4 रनों के लिए भेज दिया है गेंद को। और पिच देख के ऐसा लग रहा है काफी अच्छी पिच है और अच्छी आसानी से गेंद जो है बल्ले पे आ रही है, देखना पड़ेगा कितना स्कोर पोस्ट करने के लिए कर पाएंगे। 2 गेंदों में 4 रन बन चुके हैं, खूबसूरत यह मैदान है और यह हल्की सी आउट स्विंग होती है और ये सिंगल ले लिया है। रॉस टेलर कवर्स पर खड़े हुए थे, कवर्स की दिशा में उन्होंने रन के लिए सिंगल भाग लिया है। केएल राहुल काफी केएल राहुल काफी अच्छी फॉर्म से गुजर रहे हैं। रॉस टेलर जो है अपना 100वां मैच खेलते हुए, क्या 100वें मैच में अपनी टीम को वो जीत दिला पाएंगे,
साख बचाने के लिए खेल रही है न्यूजीलैंड, क्या न्यूजीलैंड कर पाएगी ये देखना बहुत जरूरी है। सारा मानसिकता का गेम है, देखना पड़ेगा क्या अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और बैट की तरफ जाती हुई गेम एलकरन के लिए कलाइन का इस्तेमाल करके मोड़ दिया है, काफी अपना खाता खोल लिया है संजय सैमसन ने। काफी दुखी होंगे वो अपने पिछले दो मैच के प्रदर्शन से, अब देखना होगा क्या वो मैच में कुछ कमाल कर पाएंगे, क्या अपनी जगह को पुख्ता कर पाएंगे, क्या वो एक रीजन दे पाएंगे, क्या देखना पड़ेगा। काफी काफी सवाल रहेंगे संजय सैमसन के ऊपर। केन विलियमसन फिर से एक बार फिट नहीं थे तो टिम साउदी जो है इस मैच की कप्तान रहते हुए। वैसे तो भारत श्रृंखला जीत चुका है बट देखना होगा। और एक एलॉल को छोटी गेंद और ये अंदर शरीर पर लगती हुई और एक कीपर का थ्रो संजू सैमसन की तरफ, देखना होगा कि संजू सैमसन क्रीज में पहुंच गए हैं या उन्हें वापसी पवेलियन की ओर जाना पड़ेगा रन आउट के लिए। अंपायर ने थर्ड अंपायर के पास भेजा है तो देखना पड़ेगा। और ये बैट बिल्कुल बिल्कुल ग्राउंड पे है बैट और सुरक्षित महसूस करेंगे संजू सैमसन अपने आप को। और ये अंपायर दिखाते हुए नॉट आउट। पांच गेंदे हो चुकी हैं पहले ओवर की और सात रन बन चुके हैं। संजू सैमसन के पास एक और मौका, सात रन पहले ही आ चुके हैं अपनी ओवर की दूसरी गेंद खेलते हुए अपने इस मैच की। देखना होगा क्या किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। साउदी अपने ओवर की आखिरी गेंद डालते हुए पहले ओवर की। संजू सैमसन जो है काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, पहली बॉल पे छक्का मार देते हैं बट फिर बाद में आउट हो जाते हैं। और ये साउदी अपनी एक और ओवर की लास्ट आखिरी गेंद लेके आते हुए और ये संजू सैमसन ने फ्लिक कर दिया है स्क्वायर लेग की तरफ एक रन के लिए। पहले ओवर में आठ रन आ गए हैं, भारत का स्कोर आठ बिना नुकसान के एक ओवर के बाद। और यहाँ पे कमर्शियल्स चालू हो गए हैं, छोटे से ब्रेक के बाद मिलेंगे। न्यूजीलैंड जो है काफी न्यूजीलैंड काफी मुश्किल दौर से गुजरता हुआ, उन्हें इस मैच को जीत के अपनी साख को बचाना होगा। देखना होगा कि वो बचा पाएंगे या नहीं। लाइन जो है दूसरे छोर से गेंदबाजी करते हुए हल्की सी छोटी गेंद सैमसन ने कलाइयों का उपयोग करके गप्टिल की ओर खेल दिया है गली की तरफ। और गप्टिल का काफी अच्छा फील्डिंग का प्रदर्शन, लाइन जो है काफी स्पीडी कस्टमर है और उनका बॉल जो है काफी स्पीड होके आता है बल्लेबाजों की तरफ। देखना होगा क्या वो अच्छी गेंदबाजी कर पाएंगे। और ये यहाँ पे विराट कोहली बाइनोकुलर से अपनी टीम की परफॉर्मेंस को देखते हुए दोनों खिलाड़ियों को भी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। स्कूप लाइन अपनी दूसरी गेंद के साथ और बाहर निकलती हुई गेंद के साथ छेड़छाड़ करी संजू सैमसन ने कीपर के दस्तानों में, बाल बाल बचे, विकेट जा सकता था यहाँ। एक और डॉट गेंद, दो गेंदे डॉट गेंद खेल चुके हैं वो अब तक। देखना होगा कि क्या वो फिर से बड़े शॉट खेले जाएंगे, क्या एक और बार आउट होंगे।
स्कॉट को बुलाए अपनी तीसरी गेंद लेके आते हुए और ये बहुत ही बढ़िया शॉट लगाए और ये कैच सीधा हाथ में दे बैठे हैं संजू सैमसन और बार फिर से आउट होके वापसी पवेलियन की ओर जाते हुए हर बार ही ये आते हैं और बस आउट होके चले जाते हैं वापसी। Access band for this side. So there was a very good one. और यहाँ पे रोहित शर्मा क्रीज पे आते हुए रोहित शर्मा जो आज नंबर तीन पे खेलते हुए स्कॉट टू लाइन की गेंद अंदर आती हुई और ये स्कॉट टू लाइन गिर रहे हैं अपने फॉलो थ्रू में बॉल डालते हुए। संजू सैमसन फिर से एक और बार निराश होंगे। स्कॉट कुकलैंड काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए क्या डॉट गेंद डाल चुके हैं और उसमें एक विकेट प्राप्त करी है उन्होंने। काफी निराश रहेंगे संजू सैमसन। उन्हें फिर से एक और बार मौका मिला था उन्होंने गवा दिया है। रोहित शर्मा फिर से बैटिंग के लिए तैयार स्कॉट कुकलैंड के अंदर आती गेंद और सिंगल के लिए कोशिश कर रहे हैं राकेल राहुल ने मना कर दिया। संजू सैमसन को एक और बार ओपन करने का मौका मिलता हुआ लेकिन फिर उन्होंने एक और बार ही मौका गवा दिया है। हवा में जाती हवा में गेंद कवर में पकड़ लिया है कॉलाइन अपने ओवर की आखिरी गेंद और ये अंदर आती हुई स्क्वायर ड्राइव खेल दिया है रोहित शर्मा ने। ज्यादा अच्छा टाइमिंग नहीं दो रनों से संतुष्ट रहना पड़ेगा भारतीय टीम को। इसी के साथ दो ओवर की समाप्ति पर 10 रन देके एक विकेट प्राप्त किया है न्यूजीलैंड ने। भारतीय टीम काफी निराश हो गई संजू सैमसन के प्रदर्शन से। तीसरा ओवर की शुरुआत आते हुए अपने पहले ओवर में 8 रन दिए थे और ये हल्का सा स्विंग और एक्सटेंशन जफाम कमाल जब राहुल ने एक और 6 रन जड़ दिया है। काफी अच्छी फॉर्म में है वो और ये 6 रनों के लिए काफी चाबुक शॉट खेलते हैं और हल्की सी गेंद में घुमाव था बाहर की तरफ जाती हुई लेकिन केएल राहुल ने काफी अच्छा शॉट बस अपनी आर्म्स को एक्सटेंड कर दिया है और 6 रनों के लिए कवर्स की दिशा के ऊपर से और दर्शकों के पास टीम सॉरी के लिए बॉलिंग है वो काफी डिफिकल्ट होती जा रही है। केएल राहुल को कुछ ना कुछ तो करना होगा ताकि वो शतक बना सके और ये सिम सऊदी को रोका राइट स्पिन के आगे डिस्टर्बेंस आती हुई और केएल राहुल ने अपना हाथ देके रोका है सऊदी को।
और 84 मीटर का छक्का मारते हैं। क्या कह रहे हो? सऊदी जो है और ये पिछले T20I के सुपर ओवर के बारे में विजुअल आते हुए पहली रवाइन पे छक्का जो मार दिया था के एल राहुल ने। क्या बोली जा रही हो? मैंने बच्चों को क्या करना है बताना जरा बेकार में। KL राहुल की क्लास चाप छोड़ते हुए हल्का सा बैक फुट पे जाते हुए पंच कर दिया है चार रनों के लिए पॉइंट की दिशा से। टीम सारी काफी महंगा साबित होते हुए 10 रन दे चुके हैं अपनी 3 गेंदों में। पिछले ओवर में 1 विकेट गिरा था और ये बैक फुट से हल्का सा पंच किया पॉइंट की दिशा से चार रनों के लिए और ये मिडल ऑफ द बैट से निकलती हुई गेंद एकदम टेस्ट प्लेयर की तरह खेल रहे KL राहुल। एक और चौका काफी सऊदी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टीम सऊदी पे दबदबा बना के रख लिया है KL राहुल ने। एक और छोटी गेंद स्क्वायर लेग की तरफ पुल कर दिया हल्के से दूर खिलाड़ी से और एक चार रनों के लिए और गेंद। भारत जो है 24 रन दे के 1 विकेट पे फिर से एक और बारी खराब गेंद पैड पे डाल पैरों पे डालते हुए गेंद। और यहाँ पे विराट कोहली बाइनोकुलर्स लेके देख रहे हैं। टीम सऊदी आखिरी गेंद अपने ओवर की और एक रोहित शर्मा ने लॉन्ग ऑफ की तरफ खेल दिया डॉट गेंद। इसी के साथ भारत का स्कोर बोल दिया अस्पताल में जबरदस्ती मैंने खुलवाया 25 वो भी मैंने एक विकेट के नुकसान पे 3 ओवर में तब भी मेरे सिर पे जूती। पहले मैंने उसको फोन किया वो कहती आपके बोलने से क्या होता है मेरे घर जिस घर में मैं प्यार क्या ही उस घर के लोग तो चाहते नहीं कि मैं आऊंगी ना उनसे बुलवाया तब भी फोन नहीं कह रही थी मैं नहीं करती जिले को समझा के आई तो जिले ने ऊपर हॉस्पिटल में बैठे बैठे फोन किया कि ऐसे ऐसे है आप 7 तारीख को पहुंच जाना तेरे ठीक है पहुंच जाऊंगी जी है? नहीं इनको बोल के आई थी इतना समझा के आई पापा को भी बोला बोलो तो पापा ने बोला कि कर दे नहीं स्पॉट लाइन अपना एक और ओवर लेके आते हुए पहले ओवर में तो रन देके 1 विकेट ले लिया था KL राहुल स्ट्राइक पे और ये अंदर आती हुई गेंद हल्का सा फ्लिक कर दिया है और बिना किसी रन के भारत का स्कोर 3.1 ओवर के बाद 25 रन 1 विकेट के नुकसान। KL राहुल काफी अच्छी फॉर्म से गुजर रहे हैं पहले T20I में 56 रन बना दिए थे 27 गेंदों पे। KL राहुल काफी अच्छा गेम खेल रहे हैं कोग लाइन की पहली गेंद पे कोई एक भी रन नहीं आया है। KL राहुल फिर से तैयार कोग लाइन जो है फिर से पैरों पे गेंद KL राहुल ने फ्लिक कर दिया इसको लेग की तरफ चार रन ले जाती है और मुंडो बीच में आ गए काफी अच्छी फील्डिंग और दो रन के लिए भाग गए हैं दोनों। काफी अच्छी टाइमिंग थी गेंद पे
हल्का सा फ्लिक कर दिया स्क्वायर लेग की तरफ मिडल एंड मिडल ऑफ स्टंप। नहीं आ रही आवाज, मुझे नहीं आ रही आवाज, पता नहीं क्या बोल रहा हूं। सत्ताईस रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पे। स्कॉट लाइन अपनी तीसरी गेंद लेके आते हुए फिर से पैरों पर गेंद फिर से फ्लिक कर दिया, इस बार मनरो के सीधे हाथों में और एक रन के लिए संतुष्ट रहना पड़ेगा एक रन से ही। काफी अच्छी और बैट से कुछ कर रहे हैं, 12 गेंद में 24 रन बना चुके हैं 200 के स्ट्राइक रेट से। रोहित शर्मा भी नए नए क्रीज पे आए हैं, एक तरीके से ओपनिंग ही कर रहे हैं, वैसे तो तीन नंबर पर खेल रहे थे वो। और स्कॉट कोक लाइन अपनी तीसरी गेंद चौथी गेंद लेके आते हुए पहली 1.3 ओवर में 1 विकेट देके 5 रन लिए हैं उन्होंने। और ये बहुत ही बेहतरीन गेंद, चारों खाने चित कर दिया शर्मा को, जरूर जाएगी चारों खाने चित कर दिया। हल्की से अंदर आई गेंद और बाहर जाती हुई बैट कैच को बीट करती गई। देखना होगा क्या रोहित शर्मा फिर से मैंने तो बोला ही कि तुम्हारी भी गुरु है और क्या बोल रही हूँ। वो तो कह रही कमर टूटती है मेरी, टूट जाए जाऊंगी नहीं करूंगी नहीं कुछ भी। पांच विकेट लेके आते हुए रोहित शर्मा ने लाइट कर दिया थर्ड मंडल के लिए। नहीं तो काम खराब हो जाएगा, हमको नहीं झुकना,